में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस से बाय बाय यानी टाटा कर दिया था। 11 मार्च को वो बीजेपी से जुड़ गए थे। सिंधिया लगातार इसी बीच खबरों में रहे, लेकिन इसी बीच सिंधिया को लेकर एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 2020 में हमने कांग्रेस से एक नया कुत्ता खरीदा है। जी हां, बीजेपी कर्नाटक की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई लोग इस ट्वीट को रीट्वीट भी कर रहे हैं। राजनीति में हुए इस बड़े उथल फुथल के बीच बीजेपी कर्नाटक के पैरोडी हैंडल से किया गया ये ट्वीट वायरल होने लगा है। दावा किया गया है कि ये ट्वीट बीजेपी कर्नाटक के ओरिजिनल हैंडल से किया गया है, जिसमें सिंधिया को कुत्ता कहा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे को रीट्वीट करते हुए ट्वीट में लिखा था कि 2020 के शुभ अवसर पर हमने अभी एक नया कुत्ता खरीदा है। इस तरह की बातें फेसबुक पर भी कही जाने लगी हैं। द पॉजिटिव इंडियन पेज और डॉक्टर मनमोहन सिंह फैन क्लब में देखिए कि इस पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने शेयर भी किया है। हमने इस पोस्ट को लेकर पड़ताल शुरू की, लेकिन पहले आप ये देखिए कि बीजेपी कर्नाटक नाम के एक ट्विटर से ये ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट को सिंधिया के इस्तीफे वाले पोस्ट के साथ शेयर किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस ट्वीट को हजारों लोगों ने शेयर किया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जिस पेज से ये ट्वीट किया गया है, उस पेज का नाम बीजेपी कर्नाटका यानी अंत में 2 ए है। ये पेज वेरिफाइड नहीं है, यानी ये पेज बीजेपी कर्नाटक का आधिकारिक पेज नहीं है। ये पेज बीजेपी ट्विटर हैंडल का पैरोडी ट्विटर हैंडल यानी कि ओरिजिनल पेज नहीं है। कर्नाटक बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के पेज पर बीजेपी फॉर कर्नाटका है। बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर रही है। विपक्षी पार्टी ने एक बार फिर से जमीन की जंग छेड़कर सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने इंट्रोवेंटी पे दर्ज कुत्ते की समाधि की जमीन को बेचने का आरोप भी लगाया। पार्टी का कहना है कि सिंधिया ने बेशकीमती जमीन को अधिकारियों से सांठ गांठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी लाल डूबे और नेता के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिंधिया पर जमीन बेचने के आरोप लगाते हुए दस्तावेज सामने भी रखे। बता दें कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि आजादी के संग्राम और राजनीति में गद्दारी के पर्याय बन चुके सिंधिया परिवार को वफादारी शब्द से ही कितनी नफरत है, उसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस परिवार ने अपने वफादार कुत्ते की मौत के बाद बनवाई गई उसकी समाधि को भी बेच दिया, तो ये कुत्ता ही है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सिंधिया पर जमीन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया या फिर कोई गाली दी हो। इससे पहले कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर महारोकर के बड़े की जमीन पर कब्जा कर बेचने का भी आरोप लगाया था। इस हमले के साथ कांग्रेस ने कुछ प्रारंभिक दस्तावेज भी पेश किए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि सिंधिया परिवार ने ग्वालियर के जयेंद्रगंज स्थित महारोकर के बाढ़ के 8 बीघा और 2 बिस्वा भूमि जिसकी कीमत करीब 360 करोड़ के लगभग है, ये जमीन ग्वालियर के पूर्व राजघराने की व्यक्तिगत संपत्ति की सूची में शामिल की गई। वही फिर भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर उस पर अवैध कब्जा भी किया गया। इसी बीच कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि मैंने जो बात कही सबके सामने कही, मैंने लोकसभा में इतने साल गुजारे हैं, हमारी सीट आती है जिस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3। इस भाषा से मैं परिचित हूँ, किसी का अपमान करने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा मैंने खुद अपने व्यक्त किया है। उनके इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ से कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा भी हटा लिया था। इससे कमलनाथ मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार तो कर सकेंगे लेकिन खर्चा पार्टी नहीं प्रत्याशी देगी। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता इमरती देवी को आइटम वाले बयान पर कमलनाथ से जवाब भी मांगा था। इस पर कमलनाथ ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया था, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। कमलनाथ के जवाब के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नसीहत भी दे डाली थी। आपको बता दें सार्वजनिक तौर पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार सिंधिया को कुत्ता नाम से बुला रही है और ट्विटर पे भी इस तरह की बातें शेयर हो रही है। लगातार उन पर गालियां बढ़ती जा रही है लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। तो हमारी पड़ताल में ये सिंधिया को बताने वाला ये ट्वीट पूरी तरीके से फेक है यानी गलत है, यानी कि जो ट्वीट किया गया है कर्नाटक बीजेपी से वो पूरी तरीके से फर्जी है। वो पैरोडी ट्विटर हैंडल से किया गया है, ना कि ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से। अगर आपके पास भी ऐसी खबरें आती हैं जो वायरल होती हैं या फैक्ट चेक होती हैं तो हमें जरूर बताएं, हम उसकी पड़ताल जरूर करेंगे। देखते रहिए फैक्ट चेक SPN9 न्यूज़।